वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बिहार झारखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां झारखंड हाईकोर्ट में JSSC की नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वादी की ओर से कहा गया कि झारखंड सरकार की ओर से सभी विभागों में नियमावली को बदला जा रहा है और नई नियमावली की सभी शर्तें दी गई हैं। इस पर झारखंड सरकार आगे की कार्रवाई कर रही है, जबकि इस याचिका के माध्यम से इस नियमावली की शर्तों को असंवैधानिक बताया गया है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता PS पटवालिया ने कोर्ट को बताया कि अन्य राज्यों में समान शर्तों को लागू किया गया है, इसलिए सरकार ने नई नियमावली में इस तरह का प्रावधान किया है। उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट के पूर्ण पीठ के एक आदेश का हवाला भी दिया गया, जिसके तहत सरकार इस तरह का प्रावधान करने के लिए सक्षम है। JSSC के नियुक्ति नियमावली में संशोधन के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। रमेश हंसदा के द्वारा याचिका दायर कर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की संशोधित नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी गई थी, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा अपना जवाब दाखिल कर यह बताया गया कि अन्य राज्यों में इस प्रकार की शर्त लगी हुई है, इसी को देखकर झारखंड में भी इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। वही झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की पहली कार्यकारिणी की बैठक नवनियुक्त युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, 24 जिले के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के बाद युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि बैठक में कई अहम मामलों पर चर्चा की गई है। युवाओं को कैसे यूथ कांग्रेस से जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। पंचायत स्तर तक युवाओं को कैसे रोजगार मिल पाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज प्रथम कार्यकारिणी का बैठक है, तो एक तो इंट्रोडक्शन है, एक दूसरे के साथ हम लोग का इंट्रैक्शन है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, झारखंड के जो नौजवान है, जो पलायन है, बेरोजगारी है, और युवाओं के लिए कैसे नीति निर्धारित हो, संगठन हमारा बूथ और पंचायत स्तर तक कैसे जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोगों का आज बैठक है। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में आगामी 1 मार्च को होने वाले महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर के जिला प्रशासन जुट गया है। इसको लेकर के आज देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजित्री ने समाहरण में पांडा धर्म निरीक्षण सभा के पदाधिकारी और विभागीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। वहीं महाशिवरात्रि के दिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ने वाली लाखों भक्तों की भीड़ को लेकर के समीक्षा की गई। वहीं उपायुक्त मंजूनाथ ने अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने से लेकर के साफ सफाई, स्वच्छता, पानी सहित सुगम व्यवस्था को लेकर के विभागीय अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि ओमिक्रोन के खतरे की संभावना को देखते हुए इस बार शिव बारात नहीं निकाली जाएगी। तो 1 मार्च को महाशिवरात्रि जो है, उसी को संबंध में हम लोगों ने एक समन्वय बैठक पंडा धर्म रक्षी सभा और तमाम पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने किया है, और इस बार खासकर सिख दर्शन के संबंध में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है और आपस में सहमति बनाई कि सुबह 6 बजे से शीघ्र दर्शन हम लोग शुरू करें, और 2-2 घंटे के स्लॉट में इस बार 1 दिन पहले भी हम लोग शीघ्र दर्शन महाशिवरात्रि से पहले देने के लिए हम लोगों ने प्लान किए हैं। बैठक में वस्तुतः शिवरात्रि को लेकर के कई निर्णय लिए गए, लेकिन मुझे अफसोस है कि कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो दिख रही है कि उसी बारात की संभावना नगण्य के बराबर है। इसका मुझे काफ़ी अफसोस है, दुख है, और मुझे ही नहीं पूरे देशवासियों को, उस राज्यवासियों को बारात न निकलने का मलाल रह जाएगा।
उसके बावजूद मंदिर में जो भी उचित व्यवस्थाएं हैं और होनी चाहिए, इस संबंध में हम लोगों ने अपने सुझाव और प्रस्ताव मंदिर प्रशासन को, जिला प्रशासन को दिए। शिवरात्रि को लेके जितनी भी व्यवस्थाएं पूर्व से चली आ रही थी, सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, सुरक्षा सुदृढ़ होगा और श्रद्धालुओं के सुरक्षा और उनकी संरक्षा की पूर्ण व्यवस्था। वहीं पाकुड़ जिले के पचुवाड़ा रांगा चोला के पास कोयला से भरे डंपर बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार आईआरबी के जवान सत्येंद्र बैगा की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ओवरटेक करने के कारण हादसा हुआ। वहीं धनबाद जिले में अवैध कोयले का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीते 1 फरवरी को निरसा में अवैध कोयला खनन में चौल धंसने से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं आज महुदा थाना क्षेत्र के लोपिट्टी स्थित गवाला गांव में अवैध कोयला खनन के दौरान चौल धंसने की एक और घटना सामने आई। यहां एक युवक और एक मासूम बच्ची को प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं आनंद फानन में दोनों को महुदा अस्पताल लेकर के जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जेसीबी से मलबे को हटाने में भी लगी हुई है। सूचना मिला है कि सरासर प्रशासन की लापरवाही है। महुदा ही नहीं, पूरे जिला में अवैध उत्खनन और कोयला डिपो का, धनबाद में 5 गुंटी कम है और डिपो ज़्यादा है। प्रशासन और सरकार खुलेआम कोयला लोहा का लूट कर रही है। 4 दिन पहले इन दिशा में अवैध उत्खनन में दर्जनों लोग दब गए थे, उससे भी प्रशासन चेता नहीं। 1-2 दिन शांत रहती है और फिर जो अवैध रूप से कोयला का कारोबार करते हैं वो फिर सक्रिय हो जाते हैं। हमको अभी अभी संज्ञान मिला है कि मोधा में भी 2-3 आदमी दब के मरा है।